स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। पहली बार इंटरनेशनल ट्रैवल करने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। एयरपोर्ट जाने से पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स चेक कर लें कि आप साथ कैरी कर रहे हैं या नहीं। आपका पासपोर्ट जो कि मिनिमम 6 महीने तक वैलिड हो, आपकी फ़्लाइट टिकट्स, ट्रैवल इंश्योरेंस, आपका वीज़ा, इन सब डॉक्यूमेंट्स को साथ रख लें। और दूसरा, अपनी फ़्लाइट टिकट पे देख लें कि कितना बैगेज वेट उन्होंने अलाउ किया है। जैसे कि चेक इन बैगेज में आपका 30 kg है या 40 kg तक अलाउ कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपने पैकिंग करनी है। और जो आपका इन फ्लाइट बैगेज है, जो आपका हैंड बैगेज है, आप फ्लाइट में कैरी कर सकते हैं, उसमें 7 kg है, 8 kg है, उसके अकॉर्डिंग आपको उसको भी पैक करना है। अपनी फ़्लाइट के टाइम से 3 घंटे पहले कम से कम एयरपोर्ट पहुँच जाएँ। और एयरपोर्ट एंट्री पर आपकी फ़्लाइट टिकट और पासपोर्ट चेक होगा। कि एंट्री होने के बाद आपको फ़्लाइट इंफॉर्मेशन स्क्रीन्स या फिर एयरपोर्ट के अंदर बने हेल्प डेस्क से आप पूछ सकते हैं कि आपकी फ़्लाइट का चेक इन कौन से काउंटर से होने वाला है और क्या आपका फ़्लाइट का स्टेटस है। उसके बाद आपने अपनी एयरलाइन के काउंटर पे जाके चेक इन करवाना है और आपको बोर्डिंग पास मिल जाएगा। बोर्डिंग पास पर आपके लिखा होगा आपका बोर्डिंग का गेट नंबर। उसके बाद आपको जाना है इंटरनेशनल डिपार्चर्स की तरफ। यहाँ पे आपकी होगी इमिग्रेशन। इमिग्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको जाना है सिक्योरिटी चेक के थ्रू। एक बार सिक्योरिटी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपने जो बोर्डिंग गेट आपके बोर्डिंग पास के ऊपर लिखा हुआ है, उस गेट की तरफ आपको जाना है। उसके लिए आपको अपने गेट नंबर की तरफ जा रहे साइंस को फॉलो करना है। जैसे कि हमारे केस में हम जा रहे थे गेट नंबर 21 की तरफ, तो हमने 1 से लेकर 26 के जो साइंस थे उनको फॉलो किया। अगर आपकी फ़्लाइट के डिपार्चर में अभी टाइम है तो आप एयरपोर्ट पे शॉपिंग और कुछ खाने का मज़ा भी ले सकते हैं। और उसके बाद आप अपने गेट पे आके बैठें और जैसे ही बोर्डिंग स्टार्ट होती है और बोर्डिंग का प्रोसेस कम्प्लीट करा के अपनी फ़्लाइट में बोर्ड करें और अब आप फ़्लाई करने के लिए रेडी हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को फॉलो करके आप इंटरनेशनली ट्रैवल कर सकते हैं। और आगे हम पहुंचे थे इसके बाद दुबई, और अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ कि जब आप जिस कंट्री में विज़िट कर रहे हैं वहां पे लैंड होने के बाद का क्या प्रोसीजर है। तो हम लैंडिंग के बाद पहुंचे अपना कन्वेयर बेल्ट की तरफ। उसके लिए हमने साइंस को फॉलो किया और इसके रिगार्डिंग फ़्लाइट में भी उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि कौन सी बेल्ट नंबर पर हमारा बैगेज आने वाला है। अगर आपके पास कोई भी चेकड इन बैगेज नहीं है तो आप सीधा इमिग्रेशन की तरफ जा सकते हैं, अदरवाइज़ आप अपना बैगेज क्लेम करना है तो पहले आपको इमिग्रेशन के थ्रू जाना होगा और उसके बाद आप अपना जो भी आपका बेल्ट नंबर बताया गया है फ़्लाइट में, या फिर इस तरह की वहाँ पे स्क्रीन्स लगी होती हैं जिस पे आपकी फ़्लाइट नंबर, कहाँ से आपकी फ़्लाइट आई है और उसका जो चेकड इन बैगेज है कौन सी बेल्ट नंबर से मिलेगा, सारी डिटेल्स यहाँ पे दे रखी होती हैं। और दुबई पहुँच के हमने आगे कौन कौन सी लोकेशंस को विज़िट किया वो सारी वीडियोस आने वाली हैं। और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।